नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सतीश भाड़ेराव। आप देख रहे हो मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी चैनल। तो बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि कटिंग के बारे में कुछ आसान तरीके बताइए। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको चार आसान तरीके ऐसे बताऊंगा क्योंकि जो आपको सिलेक्शन करने को या बैकग्राउंड चेंज करने को बहुत आसान हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी 5 तरीके के जो बैकग्राउंड चेंज करके रखा है वो मैं पहले आपको बताता दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये फोटोशॉप CC 2017 वर्जन, और मैं अभी रेड पर भी, रेड बैकग्राउंड का भी बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ, व्हाइट का भी, और एक ब्लैक के फोटो और एक ब्लू है फोटो। तो ये जो चार फोटो है इसके एकदम फटाफट आपको एकदम इजी तरीके से मैं बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये फोटो मैंने फोटोशॉप में ओपन किया है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये मिस कर पाओगे तो आप देखिए। अभी इसमें एकदम हेयर कटिंग आसानी से लग रही है, बैकग्राउंड चेंज किया वाला भी नहीं लग रहा है। इसमें व्हाइट बैकग्राउंड है, इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी रेड शेडोज आ रही थी एकदम बिल्कुल। आप देख सकते हो, ये मैं बैकग्राउंड हटा के दिखाता हूँ, और ये प्रेस किया तो ये इमेज ओपन हो गई, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये कैसे किया है, सबको अलग अलग प्रोसेस लगाया है। मैं आपको ऐसे चार पांच तरीके बताता हूँ बैकग्राउंड सिलेक्शन करने के और चेंज करने के, ठीक है। ये एक हो गया, और दूसरी इमेज क्या होता है कि ज़्यादा तक पूरा देखते नहीं, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ। और ये देखिए, ये दूसरा, ठीक है, ओके। और ये तीसरा, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये कंट्रोल और टैब का जो बटन प्रेस करते हो तो इमेज ऐसे चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के लिए आप ये प्रेस कर सकते हो, ओके। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, अभी ये क्लोज कर देता हूँ, ओरिजिनल इमेज लेता हूँ, और एक एक आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले समझो, ये वाली इमेज ले लिया मैंने, ठीक है। अगर कोई भी सिलेक्शन करना है ना आपको, कुछ भी बैकग्राउंड के लिए, अगर कोई अलग अलग कलर हो, अगर बैकग्राउंड में जब आउटडोर जब फोटो शूट करते हो तो उसमें अलग अलग कलर आ जाते हैं, तो वो कलर एकदम सिलेक्ट नहीं हो जाएगा। अगर कोई भी आपको प्लेन कलर रहा तो आपको एकदम इजी से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने ये सिलेक्शन टूल लिया और एक क्लिक किया, देखिए सिलेक्ट हो रहा है, और शिफ्ट दबा के जहाँ पर जो कलर है वो, और राइट क्लिक कर अगर ग्लो किया तो जितना भी एक प्लेन कलर लिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर भी जो कलर आया है वही कलर अंदर भी आ गया है इधर उधर, अगर ये भी सिलेक्ट करना है तो राइट क्लिक करके सिमिलर किया तो क्या करेगा, जितना भी जो बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट था एक ही कलर का, वो सारा बैकग्राउंड कलर पकड़ लेता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है, और दूसरा एक तरीका कंट्रोल डी डिस्कनेक्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, कलर रेंज का जो ऑप्शंस है इसमें होगा क्या, अगर आप यहाँ पर माउस क्लिक करोगे सिंपली पेन टूल से, देखिए अभी ये सिलेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर दिखाई देगी व्हाइट जो भाग होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ दबा के और फिर भी नीचे जब डार्क एरिया है वहां पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, हो गया। और यहाँ से आप उसकी ऑपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो, पूरा व्हाइट दिखना चाहिए और जो सब्जेक्ट है वो पूरा ब्लैक दिखना चाहिए, तभी तो एक इमेज या जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ओके किया, देखिए एकदम आसानी से सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसा ही होता है, कभी भी कोई भी फोटो का जब बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपको यही तरीका आजमाना पड़ेगा। और एक दूसरा एक तरीका, अगर मैं इसको डुप्लीकेट लेयर करके लेता हूँ, ओके, ठीक है, डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक मिनट, और एक बैकग्राउंड लेते हैं पहले, न्यू लेयर पर, यहाँ पर बैकग्राउंड अलग से कलर का, कोई भी कलर का बैकग्राउंड, ठीक है, ये आ गया बैकग्राउंड। अभी इसको सिलेक्शन करना है तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा उतना ही, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया कलर सिलेक्ट, और इसमें मार्क्स देता हूँ, हाँ सॉरी, सिलेक्ट इनवर्स करना पड़ेगा, और
सिलेंडर्स, ठीक है। यहाँ पर जो धार कोर दिखती है, यहाँ पर बैकग्राउंड मैच नहीं हो गया, तो ये मैच कैसे करते हैं? इसको भी मैं तो फिर से डिलीट कर देता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जे, इसको दो बार मैंने डुप्लीकेट कर लिया, और ये दोनों को भी ऊपर लेता हूँ शिफ्ट दबा के, ठीक है। ऊपर ले लिया, अब क्या करना है समझो, मुझे यहाँ पर सिर्फ हेयर चाहिए, तो मैं ये वाला जो चेहरे का भाग है वो करता हूँ सिलेक्ट, और इसको 150 का फिदर, और बाकी का भाग मुझे नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट इनवर्स करके, ओके। और जो ऊपर का जो लेयर है इसमें फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। सिलेक्शन रेंज, और डायरेक्ट इसको डिलीट कर देंगे, कोई जरूरत नहीं अभी इसका, सिर्फ इसको एक फिदर लगाना है, दो का फिदर, ठीक है। दो का फिदर दे दिया, और डिलीट, ठीक है, डिलीट हो गया, डिस्कनेक्ट। और ये जो नीचे का लेयर है, ये अलग अलग कलर से अलग अलग डिफरेंस पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ब्लू बैकग्राउंड है तो मुझे इसके लिए लाइटर लाइट करना पड़ेगा, और ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट करने पड़ेगी। कंट्रोल यू से सैचुरेशन कम कर देता है, क्योंकि क्या होगा जब कोई भी बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप पीछे वाला जब आपका बैकग्राउंड ग्रे कलर या ब्लैक कलर जब होगा तो ज़्यादातर 100% मैच हो जाता है। अगर कोई भी कलर आप कैमरा में कोई भी इमेज, जब इमेज रहे या सब्जेक्ट रहे, जो भी कुछ रहे, उसमें क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है। ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद वो ग्रे टोन पर आ जाता है, और उसका जो लेवल है आप कम ज़्यादा करके वो भी मैच कर सकते हो, समझ गए। अगर इसके कहीं पर कलर रहता है तो ये सिर्फ आसान सा तरीका, इसका फिर से थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके ये इमेज सिलेक्ट करना है ऊपर वाला, ठीक है। और फिर से इसको राइट क्लिक करके फिदर देना है दो का ही, तो एक बार मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, सॉरी नीचे वाला सिलेक्ट हो रहा है, ये ऊपर वाला, इसको फिदर दो का और डिलीट, सॉरी वापस कंट्रोल जेड, सिलेक्ट इनवर्स करना पड़ेगा, सिलेक्ट इनवर्स, ओके। और जूम किया माउस से ही और डिलीट, देखिए दो बार डिलीट किया, एकदम मैच हो गया, ठीक है। और भी आपके पास कहीं पर कलर रहता है तो आप ये जो ऊपर वाला जो लेयर है इसको मार्क्स दीजिए, मार्क्स मार्क्स के मार्क्स से होगा क्या, ये डिलीट हो जाएगा। मार्क्स दे दिया, ऊपर ब्लैक है नीचे व्हाइट है, ये कलर ज़्यादा तक ध्यान रखिए, अगर ये ध्यान रखिए तो सिंपल सा ब्रश ले लिया मैंने डीप वाला, और ये देखिए ये ब्रश चला है धीरे धीरे छोटा साइज में, इसमें भी फिदर होना चाहिए। और यहाँ पर ऑपेसिटी है तो आप यहाँ पर 30% 40% इतनी रखकर आप ऐसे घुमा सकते हैं, देखिए ये हो गया एक तरीका। आप कहीं पर भी समझो कि यहाँ पर रहता है तो आप ऐसे 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 आप धीरे धीरे कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्दीबाजी से आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है, तभी तो ये सिलेक्शन आपको बेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये होगा एक तरीका। अगर इसे कोई बैकग्राउंड डालना है तो मैं इसको दोनों को ऐसे पकड़कर लॉक भी कर सकता हूँ, लॉक किया, और कोई भी एक बैकग्राउंड लेना है तो समझो मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। और यही बैकग्राउंड पे ये सब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर लेते हैं। अब देखिए कुछ लग रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो लाइट एंड लाइट है, लाइनर लाइट्स, और कहीं पर भी मूव करो आप। और भी यहाँ पर जो शाडोज दिख रही है ये हटाने के लिए आप इसको भी मास्क देकर इसको भी इरेज कर सकते हैं, बी जो लेफ्ट और राइट की जो ब्रैकेट की है यहाँ से माउस ऐसा छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पी के बाजू का जो बटन है ब्रैकेट की उसी से, अब देखिए ये मास्क के ऊपर भी मैंने एकदम डीप में वीडियो बनाया है, इसलिए मैं मास्किंग का आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी इसमें, ठीक है। हो गया ये मैच, और इसको यहाँ पर जो कलर है
जो ब्रांडिंग ऑप्शन है यहाँ पर आप चेंज करके देख लीजिए कि आपको कौन सा मैच होता है। ज्यादा तो अगर आपका ब्लैक एंड व्हाइट किया तो इस पे ज्यादा मैच हो जाएगा, अगर व्हाइट है तो व्हाइट पे मल्टीप्लाई होता है और ब्लैक है तो स्क्रीन होता है। अभी दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एक होगा है तरीका, अभी ये ब्लैक वाला ले लिया, ठीक है। इसको भी एक लेयर लिया, लेयर पे मैंने कलर डाल दिया, ओके, और इसको डुप्लीकेट ले करके ऊपर लिया, ठीक है। डुप्लीकेट करके ऊपर ले लिया और सिलेक्शन टूल सिलेक्ट, ऐसे भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके सिमिलर जो जो ब्लैक कलर है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दो तीन बार किया और जो है इसको मैं माइनस कर देता हूँ, अल्ट्रा प्रेस करके ऐसे सिलेक्शन माइनस, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर आया तो ये आपको कटिंग करना पड़ेगा, या तो आप ज़्यादातर यूज़ होता है वो पेन टूल ज़्यादा यूज़ होता है, 100% वर्क आपको पेन टूल ही देगा। अगर आपको लॉस टूल से यूज़ करने को ईजी लगता है तो लॉस टूल यूज़ कीजिए, ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा हाथ तो पेन टूल पे बैठा है तो मैं पेन टूल से ही कटिंग करूँगा। और कलर है तो वो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा कोई तरीका नहीं है, आपको एक रिफाइंड एंड एज का है उसका भी प्रॉब्लम क्या हो जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अल्टर कंट्रोल एंटर, ओके, और इसको फेदर देकर डिलीट, फेदर और ये डिलीट, ठीक है। और कुछ दिख रहा है अंदर, दो का फेदर दिया, यहाँ पर भाई यो मैनुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है तो मैं और एक बार डिलीट कर दूंगा, और एक बार, दो बार डिलीट कर दिया और डिसकनेक्ट, और जो इसको लेयर बना के अभी डुप्लीकेट करके कंट्रोल जे ऊपर, और यहाँ पर इसको स्क्रीन करना पड़ेगा, देखिए अभी और भी दिख रहा है। इसको मास्क लगा लीजिए, मास्किंग ब्रश और खोड रबर से इरेज करना है, एक्स ऊपर ब्लैक नीचे व्हाइट, और सॉरी इसको नहीं देना है, इसको डिलीट हटा दे दे, ये ऊपर वाले का है, ऊपर से। अब देखिए ये मैंने एकदम धीरे धीरे करना पड़ेगा, एकदम छोटी छोटी जगह से, जितना आपका ब्रश छोटा होगा उतना आपको इजी और अच्छे तरीके से बैकग्राउंड मिलेगा। अब बड़े ब्रश से काम करोगे तो इतना आसान से आपको डिटेल नहीं मिलेगी कभी भी, सिर्फ मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये प्रॉपर काम करना पड़ता है तो एक एक इमेज को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। ये कलर पे डिपेंड होता है, पीछे बैकग्राउंड कलर किस टाइप से है, कौन सा कलर है उस पे ब्रांडिंग ऑप्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। किसी को सॉफ्ट लगाना पड़ता है, किसी को हार्ड लाइट लगाना पड़ता है, किसी को लाइनर लाइट लगाना पड़ता है, और भी इसको तो अभी स्क्रीन लगाया है, स्क्रीन से क्या होता है कि हाईलाइट होता है, ब्लैक भाग जो हो गया वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। ऐसे एकदम डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे ही सेम तरीके ओपन, अगर ये व्हाइट है और एक रेड है, इसको भी मैंने कौन सा लगाया मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्हाइट है तो व्हाइट को व्हाइट ही रखा है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं किया है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट किया तो और भी अच्छा दिखाई देगा। कंट्रोल यू, इसको मल्टीप्लाई किया है, मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, व्हाइट मेरे पास ज़्यादातर तो व्हाइट बैकग्राउंड यूज़ होता है तो मैं मल्टीप्लाई का ऑप्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा है सेम तरीका है, डुप्लीकेट लेयर करना है एक दूसरे पर, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को फिर दो का फिदर देकर दो तीन बार डिलीट करना है, ठीक है। रेड को क्या कौन सा दिया है, रेड पे हार्ड लाइट दिया है, हार्ड लाइट पे मैच हो गया है। अगर मैं इसको नॉर्मल करके दिखाऊं तो ये देखिए नॉर्मल पे नीचे वाला बैकग्राउंड, नीचे वाला ब्लैक एंड व्हाइट किया है,
सेचुरेशन कम किया है कंट्रोल यू से और इसको हार्ड लाइट दिया है। और जो ऊपर वाला है इसको भी मास्किंग ये डिलीट करके मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जब ज़्यादा रेड शेडोज आ रही है तो ये भी आपको ऐसे ही इसको मास्क देना है और मास्क देकर ब्रश से इरेज करना है। अगर गलत भी हो गया है तो आप ऊपर व्हाइट लेकर एक्स बटन प्रेस करके आप ये फिर से ला सकते हो। ये चला नहीं जाता है, यहाँ पर मास्किंग से क्या होता है, एक तो भाग छुपाता है नहीं तो दिखाता है, लेकिन डिलीट नहीं होता है। अगर डायरेक्ट आप इरेजर का जब टूल यूज करते हैं तो उसमें पूरा चला जाता है, वापस दोबारा पीछे नहीं जा सकते। इसलिए जो मास्किंग का यूज किया तो यहाँ पर आप फिर से देख भी सकते हो, वापस भी जा सकते हो और आगे भी आ जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो यही तरीके अच्छे हैं। एक तरीका हो गया यहां से कलर सिलेक्शन करने का, कलर रेंज पे जाके आप कलर सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा एक तो डायरेक्ट मैजिक टूल से सिलेक्ट करना है। तीसरा डायरेक्ट आप तो एकदम लॉस टूल से कटिंग करके एकदम बैकग्राउंड तो दूसरी जगह पे सब्जेक्ट दूसरी जगह पे ले सकते हो। चौथा तरीका पेन टूल से आप छोटी छोटी जगह पर कटिंग करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। और जो पांचवा तरीका है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये डिलीट कर दिया। पांचवा तरीका मैं आपको एकदम डिटेल में दिखाता हूँ, अगर वही बैग फोटो परत गया तो नहीं, ठीक है। इसको फिर से एक डुप्लीकेट लेयर और नीचे वाले को बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ही ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल टैब और इस पे कंट्रोल वी और कंट्रोल वी से इसको थोड़ा सा शिफ्ट दबा के ही बड़ा करना है, ऐसा ऐसा ऊपर नीचे ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपकी इमेज भी जो होती है वो छोटी बड़ी हो जाती है, उसमें लंबाई होती है जैसे चिंगम की तरह से लंबी चौड़ी हो जाती है। तो शिफ्ट दबा के ही काम करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं कि जो शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो इमेज एकदम बेकार सी बन जाती है, इसलिए तो ये तरीका आजमा लो, ये बेहतर होगा। और जाते जाते समय वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और क्या बोलते हैं उसको, और कमेंट भी करना है। एक तरीका रहेगा जो है रिफाइंडन यू एज का इस्तेमाल करना, ठीक है। इससे क्या हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के फिर से नीचे का सिलेक्ट, ये सब कुछ सिलेक्ट किया, यहाँ से अंदर का भाग सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो वही यूज करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके सिमिलर, यानी कि जो सारा भाग सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स और फिर से रिफाइंडन, ठीक है। अब ये होने के बाद डायरेक्ट ब्रश आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये ब्रश है, ये ब्रश आ जाएगा और ब्रैकेट की से वो छोटा बड़ा हो जाता है। अब देखिए कोई लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट की है, एंटर के ऊपर पी के बाजू में, और यहाँ से ऐसे ब्रश घुमा सकते हैं। यहाँ पर ऑपेसिटी है तो मैं साइज है, सॉरी साइज है, ऑपेसिटी तो इसमें नहीं है। और ये देखिए अभी कोई भी ऑटोमेटिक का जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसमें भी वही तरीके होते हैं। एंड्रॉइड का मैंने इस्तेमाल करके देखा बहुत सारे, उसमें भी अलग अलग तीन कलर दिए थे, रेड ब्लैक और वाइट। जब जो बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है तो उस टाइप से आप कलर सिलेक्ट करना है और ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाता था, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से स्मार्ट रेडियस से ये 5 के अंदर यूज करना है, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा बैड बन जाता है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा अभी, सही किया है तो 4 में करता हूँ, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो शिफ्ट एक जे ये क्या करेगा, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको,
यहाँ से अंदर या बाहर जाएगा? हाँ, माइनस किया तो अंदर जा रहा है और प्लस किया तो बाहर सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं अंदर ही करूँगा। अंदर कितना करेंगे? -10% या 5% के आसपास। ठीक है, 7%। यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट कलर जो बाहर का जो कलर है वो कोई कलर नहीं कि ज्यादातर जो शेड आ जाती है अंदर से, रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये कलर हटाने के लिए यहाँ पर भी एक बाहर जाएगा एक, तो नहीं तो अंदर आ जाएगा। देखिए, ये निकाल कर ये बैकग्राउंड कलर मैच कर दिया इन्होंने। और यहाँ से अमाउंट से आप एक तो यहाँ पर अंदर चला गया और यहाँ पर अंदर चला गया और यहाँ पर बाहर आ गया। तो इसको 50% 60% ऐसे रख लीजिए। तो मैं इसको 25% रखता हूँ। ठीक है, और ये स्मूथ कॉन्ट्रास्ट फिगर ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने प्रॉपर तरीके से किया है। तो ठीक है, और इससे भी और एक मिस्टेक हो जाती है तो भी मैं आपको दिखा दिया, आपको मैं मिस्टेक भी दिखाता हूँ इसका क्या होता है। अगर मैं ये ओके करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर, ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट, और अभी ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन अपना जो पहला तरीका था वो सबसे बेस्ट था। पीडीएफ ये देखिए, अगर मैं इसको डिलीट करके आपको विंडोज वर्क और टू इमेजेस, ठीक है, ये देखिए इसमें कितना डिटेल में दिख रहा है। और इसमें देखिए और भी इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा। अगर मैं इसको इसको छुपा देता हूँ और एक बैकग्राउंड लेता हूँ और इसमें अलग अलग कलर डाल के आपको दिखाता हूँ। अभी हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, लेकिन मेरा जो पुराना तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है।
चलो, आपको कुछ सवाल छूट जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा। और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो ये रहेगा, इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से कलर बैलेंस करके दिखा दूंगा। ये रॉ फाइल है, रॉ फाइल पे एकदम 100% क्वालिटी मिल जाती है।